खानजादी को मनारा ने रुला दिया। आप ये बात तो सोच सकते हैं कि इतनी क्यूट सी इनोसेंट सी मनारा किसी को रुला सकती है, विलन जैसी लड़की को रुला सकती है, पर ये चीज़ हुआ है। शायद आप लोग बिजी थे बिग बॉस देखने में, एपिसोड देखने में, पर मैं तो आप लोगों तक गॉसिप पहुंचा ही देती हूँ कि लाइव फीड में क्या चल रहा है। मनारा ने रुलाया इसको, खानजादी को, बाथरूम में, और फिर खुद जाके जो है दिमाग के रूम में, अपने रूम में जाके खुद भी रोने लग गई। क्या हुआ, इनके बीच में सुबह से कुछ ना कुछ चल रहा है। और आप लोगों ने मनारा का नेचर पहचान लिया होगा, अगर नहीं पहचाना तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताती रहूँगी कि उसका नेचर कैसा है, क्योंकि मैंने तो पहचान लिया है, मुनावर ने भी पहचान लिया है। और ये बात जो है, जब ये बाथरूम में थे तब वहाँ पर फिर से बहस हो गई, क्योंकि खानजादी का कहना ये है कि मैं तेरी बात इसीलिए नहीं सुनती क्योंकि तू कभी जोक क्रैक करती है ना, तू बहुत गंदे जोक क्रैक करती, तेरे को अच्छा लग सकता है, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, और तू अच्छे जोक्स नहीं मारती है, तो इसीलिए तेरी बातें जो है बेसलेस लगती है। तो इस बात से जो है खानजादी, जब खानजादी ने ये बात नाविद के सामने दोपहर को बोली थी, तब से जो है अब तक मुनारा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। तो मुनारा को गुस्सा चढ़ा हुआ, तो मुनारा ने कुछ बाथरूम में ऐसी खरी खोटी जो है खानजादी को सुनाई है कि खानजादी तक रोने लग गई और ये बात बोल रही है कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे घर जाना है। तो सब लोग हैरान है कि आखिरकार भाई हुआ तो हुआ क्या, ऐसी कौन सी बड़ी बात बोल दी, विक्की ने कितनी बार पूछ लिया खानजादी से कि बता तो दे तुझे इतना हर्ट कैसे हो गया, तूने उसने मनारा ने तुझे ऐसी कौन सी बात बोल दी जो कि तू इतना ज्यादा रो रही है कि मानो जैसे कि चार पांच लोगों ने डंडे से मारा हो इसको। पर खानजादी वो चीज तो नहीं बता रही, पर मनारा खुद रोते रोते उसने भी सांस ऊपर नीचे की हुई है, रो रही है बेडरूम में जाके। और खानजादी को सब लोग रोते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान है कि भाई इस बंदी को रुला दिया। अभी कौन सी बात होगी, जब मेरे हाथ लगेगी तब मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।